अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू जैन फिशिंग टैकल। जैसा कि आपने मेरे पिछले वीडियोस में बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाया था टीका रील्स के, एक अनबॉक्सिंग मैंने लास्ट टाइम किया था टीका विली, जो कि कार्प और कटला फिशिंग के लिए बहुत ही फेमस रील है। उसी तरह आज और एक रील मैं अनबॉक्स करने जा रहा हूँ, जिसका मॉडल है GB88000। यह है GB80 लॉन्ग कास्ट गैलेंट और ये 8000 सीरीज की रील है, 8000 सीरीज। सो आज इसको हम अनबॉक्स करेंगे और इसके सभी फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए हम बॉक्स को खोलते हैं और देखते हैं इसका फर्स्ट लुक। ये बॉक्स के ये है रील और इसके साथ में आपको एक सेफ्टी पाउच दिया है, जो कि आप इसमें रील रख सकते हो। एनी टाइम आप फिशिंग जाने के वक्त ये पाउच कैरी करिए, और ये बहुत ही अच्छा पाउच दिया है कंपनी ने, तो आप हाथ में भी कैरी कर सकते हो रील को एनी टाइम। सो अभी आप हम देखेंगे रील की तरफ। ये है, बहुत ही स्टनिंग लुक है रील का। ये देखिए रील, बहुत ज़बरदस्त रील है और दिखने में ही हैवी हैवी टाइप की रील लग रही है। इसके ऊपर है गैलेंट लॉन्ग कास्ट। लॉन्ग कास्ट इसलिए इसका नाम रखा गया है, इसका स्पूल भी काफ़ी बड़ा है और देखिए इसका जो स्लैंटिंग टाइप का जो स्पूल है, बहुत ही अच्छी कास्टिंग होती है इसकी, डिस्टेंस कास्टिंग होती है, इसी वजह से आई थिंक इसका नाम लॉन्ग कास्ट रखा हुआ है, गैलेंट लॉन्ग कास्ट GB88000। आप इसमें देख सकते हो स्पूल भी बहुत ही अच्छा स्पूल है, डीप स्पूल है, काफ़ी लाइन कैपेसिटी इसमें आपको मिलेगी। देन चलिए देखते हैं इसके वन बाई वन फीचर डिस्कस करेंगे। इधर बॉक्स पे चलते हैं। गैलेंट लॉन्ग कास्ट GB80 सीरीज, ये 8000 की रील है। सब में फर्स्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है इसके बॉल बैरिंग। इधर बात बॉल बैरिंग की बात करेंगे हम, तो 7 बॉल बैरिंग के साथ ये रील आ रही है। 7 सील्ड प्रेसिशन, यानी कि बॉल बैरिंग में आपको वाटर या रस्ट पकड़ने के बहुत ही चांसेस कम है, बिकॉज ये जितने भी बॉल बैरिंग इसमें दिया गया है वो सील्ड बॉल बैरिंग है। नॉर्मली क्या होता है, बहुत सारे सस्ते रीलों में जो है ना ओपन बॉल बैरिंग आते हैं, जिसकी वजह से सॉल्ट वाटर फिशिंग या कोई फिशिंग कोई भी सॉल्ट वाटर फिशिंग करेंगे तो जल्दी इसको रस्ट पकड़ने के चांसेस होते हैं। तो इधर देख सकते हैं 7 सील्ड प्रेसिशन स्टेनलेस स्टील, वेरी इंपॉर्टेंट है ये बॉल बैरिंग ही नहीं, नॉर्मल बॉल बैरिंग नहीं, स्टेनलेस स्टील रस्ट रेसिस्टेंट बॉल बैरिंग है, जो कि बहुत ही अच्छा फीचर है, बहुत ही अच्छी बात है रील में। और एंटी ट्विस्ट लाइन रोलर भी एंटी ट्विस्ट, कहीं भी लाइन आपको ये लिपटेगी नहीं। एल्यूमिनियम अलॉय स्पूल भी आप देखेंगे, हम रील की तरफ बढ़ते हैं, स्पूल एल्यूमिनियम स्पूल है। काफ़ी सारे लोग मेटल कहते हैं, ये मेटल नहीं है, आपकी जानकारी के लिए मैं बताता हूँ, ये एल्यूमिनियम स्पूल होते हैं सभी रीलों में। मेटल स्पूल हो तो रील काफ़ी महंगी होती है, 14,000 15 या 20,000 के आसपास भी जा सकती है। सो ये एल्यूमिनियम स्पूल है। नेक्स्ट आपको कंप्यूटर बैलेंस रोटर है, लाइन वाइंडिंग के लिए बहुत ही काम आता है। वन वे क्लच इंस्टेंट एंटी रिवर्स रोलर बेयरिंग और म्यूट रेसिस्टेंस लाइन डिवाइस डिज़ाइन, वार्म शाफ्ट ऑसिलेटिंग सिस्टम, क्लिक अलर्ट फॉर लाइट स्ट्राइक, लॉन्ग शाफ्ट फॉर बेटर लाइन वाइंडिंग, राइट एंड लेफ्ट इंटरचेंजेबल हैंडल, ये भी एक अच्छा है। आप इस हैंडल को, ये जो हैंडल है, आप इसको राइट या लेफ्ट दोनों भी कर सकते हो। काफ़ी लोग लेफ्ट से पकड़ते हैं और काफ़ी सारे लोग राइट से भी यूज़ करते हैं,
सो डेफिनेटली उन लोगों को ये अच्छी बात है कि ये इंटरचेंजेबल हैंडल है। नेक्स्ट हम चलते हैं, इंटरचेंजेबल हैंडल आपको बता ही दिया है, सॉफ्ट टच हैंडल विद सॉफ्ट टच। सॉफ्ट टच यानी कि ये हैंडल आप देख सकते हो एकदम ग्रिप वाली हैंडल है, पावर नॉब के साथ है, एक लाइट पावर नॉब दिया है इसको ग्रिप के लिए, आपको एक्स्ट्रा ग्रिप के लिए। और नेक्स्ट है सॉलिड एल्यूमिनियम बेल वायर, तो है ही क्विक सेट ड्रैग सिस्टम, क्विक सेट ड्रैग। आई थिंक रील में आपको एक एक्स्ट्रा ड्रैग का सिस्टम मिलेगा, ये होता है क्विक सेट ड्रैग। इसके बारे में मैं लास्ट टाइम भी आपको बताया था, फिर देन अभी और एक बार भी बता रहा हूँ, इसका अलग से वीडियो बनाएंगे। इस क्विक सेट ट्रैक होता क्या है, तो अभी के लिए ये आपको मैं बता दूंगा, आपको ये एक्स्ट्रा ड्रैग मिलेगा इन केस अगर कोई भी आपका ड्रैग गुम भी हो गया तो डरने की बात नहीं है, आपको और एक ड्रैग भी इधर अवेलेबल है बॉक्स में। और स्मूथ पावरफुल कार्बन ड्रैग वॉशर, कार्बन ड्रैग वॉशर ये होते हैं कि ड्रैग का जो सिस्टम होता है, ड्रैग ये जो ड्रैग सिस्टम होता है इसमें नॉर्मल वॉशर्स भी आते हैं। अभी इसमें जो है कार्बन ड्रैग वॉशर जो कि एक पावरफुल ड्रैग का इंडिकेशन देता है, सो ये चीज हो गई। देन हैवी प्रेशर रेसिस्टेंस गियर फॉर टफनेस एंड स्मूथनेस, गियर्स भी काफी अच्छे हैं इस बॉक्स पे दिया गया है, अभी ओपन करने के बाद ही पता चलेगा गियर सिस्टम क्या है। सो अभी ये रील आती है, गियर रेशियो भी काफ़ी अच्छा है, 5.2 गियर रेशियो है, बहुत ही फास्ट रिट्रीवल है। और दोस्तों ये रील जो है स्पेशली आप रोहू कटला के लिए यूज़ करिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है और काफ़ी लाइन लाइन कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा है। आप 8000 की सीरीज़ देखिए, 35 mm की लाइन जो है 370 मीटर या 400 मीटर के आसपास बैठ रही है, इवन आप ज़्यादा थिकनेस वाली 45 mm की भी अगर लाइन, तो 200-220 मीटर बैठ रही है लाइन, सो काफ़ी अच्छी लाइन कैपेसिटी है। और इसका मैं ड्रैग बता दूं, ड्रैग 12 kg है, कहीं पर भी बॉक्स पर ड्रैग का इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है, बट देन मुझे पता है कि इसका ड्रैग जो है 12-12 kg का है, कैटलॉग मैंने कंपनी का कैटलॉग में देखा है, कैटलॉग में अवेलेबल है ड्रैग कितना है, बट देन बॉक्स पे क्यों नहीं दिया गया है ये तो मुझे पता नहीं है। बट देन 5.2 गेयर रेशियो विच इज़ ए फास्ट रिट्रीवल इंडिकेशन दे रहा है, बहुत ही अच्छे गेयर रेशियो के साथ ये रील मिल रही है। और फाइनली मैं इसके प्राइस के बारे में बताऊंगा आपको, 4,500 रुपीज़ जो कि काफ़ी अच्छा अट्रैक्टिव प्राइस है इस रील के लिए, और बेस्ट मैं तो कहूँगा बेस्ट प्राइस है। आप यही सीरीज़ की 8,000 सीरीज़ की पेन या शिमानो में लेने जाओगे तो इसका प्राइस आपको एटलीस्ट एक 7,000 के आसपास होगा, 6,500 या 7,000 के आसपास होगी रील। सो देन मैं तो कहूँगा ये बेस्ट प्राइस है 4,500। अगर किसी भाई को ये रील चाहिए होती है तो आप जैन फिशिंग टैकल को कांटेक्ट करिए, जैन फिशिंग टैकल का नंबर है 8179558923। आई होप आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिल चुकी है इस रील के बारे में। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में लेट सी कि हम अगला वीडियो हायना रील का बनाएंगे जो कि कैटफिश और स्ट्रांग रील है, बहुत ही स्ट्रांग रील है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और हमारे वीडियो को देखते रहिए और लाइक करते रहिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।